क्या भाजपा कर रही है एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या है खतरे में? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को 50 करोड़ का ऑफर दिया। सीएम सिद्धारमैया ने लगाए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से दूसरी पार्टी के नेताओं को पैसे देकर अपने साथ शामिल करने के आरोप लगे हैं। इस बार आरोप किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिछले एक साल से मेरी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, उन्होंने कोशिश की और असफल रहे। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव हारने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार भी गिर जाएगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे विधायक हमें नहीं छोड़ेंगे, एक भी विधायक हमारी पार्टी का नहीं छोड़ेगा। हमारे नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तमाम आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इंडिया टुडे के साथ ही फोन पर बातचीत करते हुए भाजपा सांसद एस प्रकाश ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो केवल समाज के एक वर्ग की सहानुभूति जीतने के लिए बार बार ऐसे आरोप लगा रही है। एस प्रकाश ने कहा कि मैं इन मुद्दों और कर्नाटक सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान देने की बजाय मुख्यमंत्री फर्जी आरोप लगा रहे हैं और चुनाव के बाद अपने पैर जमाने पर फोकस कर रहे हैं। बता दें कि साल 2008 में पहली बार कर्नाटक में ऑपरेशन लोट्स शब्द सियासी चर्चा में आया था। ऑपरेशन लोट्स भारतीय जनता पार्टी का कोई अभियान नहीं है। जोड़ तोड़कर सरकार बनाने पर विपक्ष अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अब देखना होगा कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तो तय कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ऑपरेशन लोट्स हर जगह चलाती रही है और ऐसा कहीं भी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां पर ऑपरेशन लोट्स के तहत भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल ना किया हो। इससे पहले भी आपने देखा था बनी बनाई सरकार भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोट्स के तहत ही गिराई है। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है और हमने देखा भी है जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर भाजपा में शामिल किया गया और वहां पर शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और वहां पर भी महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार चल रही थी एमवीए की जो गठबंधन था महाविकास आघाड़ी उसकी सरकार टूटकर भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। और यही आरोप अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी लगा रहे हैं कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के मंत्री भी यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।